नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। ग्वालियर के शिक्षाविद की मांग, सिमरधा में शासकीय हाई स्कूल खुलवाए सरकार। करोठा तहसील के अंतर्गत न्याय पंचायत सिमरधा का मामला। हाई स्कूल ना होने के कारण बच्चे आगे की शिक्षा हेतु अग्रसर नहीं हो पाते। मूलतः झांसी जिले के अंतर्गत करोठा तहसील में ग्राम पंचायत जसवंतपुरा का रहने वाला हूँ। इस ग्राम पंचायत के आसपास लगभग 19 गांव आते हैं, जिसमें न्याय पंचायत रामपुरा एवं न्याय पंचायत सिमरधा। इन 19 गांवों की कुल जनसंख्या लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच है। 74 वर्ष निकल जाने के बाद भी देश स्वतंत्र हो गया, परंतु आज भी यह क्षेत्र सब तरह से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, उद्योग इत्यादि। शिक्षा इन सभी तत्वों का सर्वोपरि और नियामक तत्व होता है, जिससे जीवन के विविध पक्ष उजाले में आते हैं, प्रकाशित होते हैं। इस उद्देश्य से आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी जी, माननीय सांसद महोदय श्री गौरी शंकर वर्मा, संसदीय क्षेत्र गरोठा, समथर, जालौन, भोगनीपुर, माननीय विधायक श्री जवाहरलाल जी राजपूत, विधानसभा क्षेत्र समथर गरोठा एवं माननीय जिलाधीश झांसी, माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी को ज्ञापन दिया है। उसमें बेटियां जो कक्षा 8 तक उत्तीर्ण होकर के आगे की शिक्षा जारी रखना चाहती हैं, वो शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि इन दोनों न्याय पंचायतों में रामपुरा तथा सिमरधा में कोई भी हाई स्कूल नहीं है। इसलिए बेटियां और बालक भी दोनों शिक्षा से वंचित होते हैं तथा आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पाते। विनम्र अनुरोध है इन लोगों से, शासन से, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से, इस आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए हमारी मदद करें, और शासन से अनुरोध है कि यह सुविधा हमें उपलब्ध कराएं, ताकि यह क्षेत्र भी राष्ट्र और समाज का महत्वपूर्ण अंग बन सके एवं विकास की धारा से जुड़ सके।